तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि यो ब्रह्माणं विदधातिपूर्वं यो वै वेदांस्य प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिम् द्रविणं ब्रह्मवरुचं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपा करो प्रवर प्रवरम न पतंजलिम प्राजलिरास् तो पतंजलिम प्राजलिस्मी तो तो परम पिता परमेश्वर लाई नमन दे अपना गुरुवार्व का चरण कमल में प्रणाम गुरुजन लाई हार्दिक स्वागत का साथ अभिवादन करदु ओम नमन संपूर्ण व्यवस्थापकीय टीम लाई हार्दिक स्वागत चा, धन्यवाद चा। योग दर्शन को कक्षा में हमी छ विभूति पात को कक्षा विभूति बने शरीर का गुण को विशिष्टता इंद्रिय का इंद्रिय में विशेष सामर्थ्यता प्राप्त हो हमी बाईस तेईस सूत्रसम स्वाध्याय

तदेवार्थमात्र निर्भासम् स्वरूपसुन्यमिव समाधि त्रयमेकत्र संयमा तज्जयात् प्रज्ञालोका तस्य भूमिशु विनियोगा त्रयमंतरंगं पूर्वे भ्यातदा विवहिरंगं निर्विजश्च। व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः श्रादितल्य प्रत्यय चितैकाग्रता परिणाम एन धर्मलक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता शादीता व्यवदेश्य धर्माती धर्मी क्र्यम पिणा हेतु परिणामत्रय संयमादतीतानागतज्ञानम् शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासा संकरस्तत्प्रविभाग संयमात् पूर्वजातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् न च तत्सालम्बनम् तस्या विषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्बे चक्षुः प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्धानम् सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि यहाँसम को स्वाध्याय हमें गय हिजू को स्वाध्याये कई हेन हो कि शरीर का रूप में संयम गयो इसको ग्रहण करने शक्ति जब स्तंभित होनी आँखा को देखने सकने शक्तिसंग प्रयोग होते संप्रयोग होते संपर्क होते योगी को अंतर्धान अवस्था बताइए अब हमी जन्म में भोग् पर्ने वाला कति कर्म हरु आई चन, कती आउने वाला यो आउने र, आ, आई र, आउने वाला कर्महर संयम करना को अवधि निर्धारित योगीले अपरांत ज्ञान प्राप्त कि मृत्यु को ज्ञान प्राप्त करदिष्ट आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक विविध प्रकार का अरिष्टर का संकेत लेत्युला जैत्री आदिशु बलानी अब इसमें भोग मित्रता आदि बल प्राप्त सुखी जीवर प्रति मित्रता को भावना संयम करना मैत्री बल प्राप्त हो दुखी जीव प्रति करुणा को भावना और करुणा को बल प्राप्त होर प्रति मुदिता को भावना असम संयम करना मुदिता को बल प्राप्त करद उपेक्षा लाई भावना में लीएन उपेक्षा अग को आधार पर है समाधि में तो आवश्यक उपेक्षा भावना अंतर्गत आए न उपेक्षा लीएन मैत्री करुणा मुदिता तीनवटा कुरा मैं ली मैत्री दिशु बलानी अब ये आज हमें पढ़् पड़ने चौबीस नंबर सूत्र हो मैं ये सूत्र उच्चारण का लगी कमला तिमसिहाजी मैं अनुरोध कमला कमलाजी यह सूत्र उच्चारण कर বালে সুহাস্তি বালাদিননি। অমরুদের বালে সুহাস্তি বালাদিননি বালে সুহাস্তি বালাদিননি বালে সুহাস্তি বালাদিননি আবিয়ানেরা দেরি কুরা আরই আছে না। बलेसु हस्ती बलादीनी जस्ते मित्रता को भाव में मैत्री को भाव में हमी संयम करना मित्रता प्राप्त हो कि जे जे में संयम लोग त्यो त्यो हमी प्राप्त कर बलेसु हस्ती बलादिनी अब हात्ती को जस्तो बल पनि प्राप्त गर्दछ है हात्ती को जस्तो बल पनि प्राप्त गर्दछ कसरी हस्ती बलादिनी हा हात्ती आदि का बल में संयम गर्नुस् अनि त्यो अवस्था में वाचा भएछ भने त्यही बल पनि प्राप्त गर्नुस् अब यहाँ हात्ती आदि भनेर भन्दियो आदि भाला सब कुछ यहाँ लाइन विभूति पाद को आठ का रूप में यहाँ बताइय कि हादी हाथी आदि लगायत विभिन्न जीवर में संयम गयो वे ते अनुसार को बल प्राप्त होते हस्तबले संयम हस्तबलो भवती हाथी को बल में संयम गयो हाथी को बलब वाला हो कि वायु बले संयम वायु वाला वायु, वायु को बल में हावा को बल में संयम गयो वायु जस्त बल प्राप्त दियो कि अश्वबले संयम अश्व बलम अश्व को बल में संयम गयो अश्व को जस्तो बल प्राप्त करला अर्क भाष्यकार ने एटा अर्क लेख्त बैनते बैनते भन्ना गरुड़जी को बल में संयम गरुड़जी जस्तो बल प्राप्त सामान्य अर्थ यो हो कि बल प्राप्त भने जस जस को बल जो प्रकार ने प्राप्त करने हो त्यसमा संयम करसार को बल योगी ले प्राप्त करद अब आधी भन्ना बाघ में संयम गयो बाघ जस्तो बल प्राप्त गयो तो है अलमा में संयम गयो साल जस्तो चतुराई भी प्राप्त गयो है बल तो चतुराई भी एवं चालाकना पर एटा बल नहीं हो। यो प्राप्त कर आधी भन्ना अन्न जीवर यो हस्ती दीनी बलेशु हस्ती बला दीनी अब अर्क नंबर सूत्र में हमी गय तो दूरदेश स्थित वस्तु ज्या पच्चीस नंबर को सूत्र हो दूर स्थित

अब यहां आयो प्रवृत्ति आलोक न्यासाइन प्रवृत्ति आलोक न्यासा प्रवृत्ति आलोक न्यासात अब प्रवृत्ति जस्त पे पाद छत्तीस नंबर को सूत्र थी है न? शो का ज्योतिषमती जो का वा ज्योतिषमती जो ये सूत्र थे इसको व्याख्या कर का बारे में ये संग संबंधित प्रवृत्ति आलोक न्यासात ज्योतिषमती प्रवृत्ति को प्रकाश पारना न्यास पारनासा न्यासात प्रकृति पार्नाले के ऊंचा सूक्ष्म वस्तु ज्ञानम एकदम सानो वन्दा छियानो वस्तु को ज्ञान हों जा ब्यवहारीता लुके को कुरा नदेखिने कुरा अपनी था पाइन्छा विप्रकृष्ट एकदम ही टाडा भाई अपनी तेसले जान दाचा 36 नंबर को व्याख्या कर एकजा ऋषि हृदय कमल में धारणा करना को स्थिति हो हृदय कमल में धारणा करना जो बुद्धि साक्षात्कार हो तो पहलो विश्व का ज्योतिषमती प्रवृत्ति हो यो ज्योतिषमती किनकि चित्त प्रकाशवान आकाश जस्तै व्यापक छ व्याख्या में यह हो आकाश जैसे व्यापक स्थित भैया का कारण जन्य निर्मल भे में निर्मलता का कारण ले बुद्धि साक्षात का रूपणी प्रवृत्ति यहां प्रवृत्ति आए न साक्षात्कार रूपिणी प्रवृत्ति जस्ते सूर्य चंद्र ग्रह रणि का रूप में उत्पन्न तो यहाँ सूर्य संग संबंधित चंद्र ग्रह मणिसो दिव्य आलोक को कुरा यहाँ त्यहाँ त्यहाँ संयम गो ध्यान गो त्यो अनुसार को चमक आलोक त्यो योगी ले प्राप्त गर्दछ तो यहाँ यही त्यो जो त्यहाँ बाट विशोका वा ज्योतिष्मति जो त्यो आलोक प्राप्त गर्यो है जो तो ज्ञान प्राप्त गर्यो जो प्रकाश प्राप्त गर्यो प्रकाश तो पहले प्राप्त गरेको छ त्यो प्राप्त गरेको प्रकाश ले जा? होइन के हुन्छ त अब त्यसैमा संयम गर्यो भने त्यसमा संयम गर्यो भने संयमा त सबै ठाउँमा हुने नै भयो संयम गर्यो भने के हुन्छ अब जो ज्यान प्राप्त भयो प्रकाश प्राप्त भयो त्यसमा संयम गऱ्यो भने सूक्ष्म भनियो होइन सूक्ष्म भन्नाले एकदम सूक्ष्म वस्तु सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म एकदम परमाणु भन्नुहोस् एकदम परम अणुलाई पनि था पा दोसरोबारा भू व्यवहित कुछ छेको के एउटा घरले छेको जमिनले घर पहाडले जमीन त्यो पनि कुरा त्यसले थाहा पाउँछ वा एकदम टाड़ा एकदमै पहाड़ पहाडको टुप्पामा छ एकदम धेरै टाड़ा छ यहाँ अर्को अर्क देश में समुद्र को तल में त्यसले था पाँच यहाँ एटा विशेष के प्रवृत्ति आलोक जो तो ज्योतिषमती प्रवृत्ति उसले प्राप्त गयो जो एटा प्रकाश उसले प्राप्त गयो तो प्रकाश लाई फोकस तीरदिना तीर दृष्टि गई समझनो जस्त कहीं सामान्य उजालो छाई सामान्य उजालो ये टर्च को लाइट भी तीन फोकस ग्यौं त्यो वस्तु जिसमें प्रकाश पर्न गयो तो हो ज्यादा प्रकाशित हो कि हमी देखेन है तर सा उजालोले राम्री हमी जा बुझ् सकन तर विशेष लाइट आदि हमीर तैं लगा प्रकाशित हो ज़्यादा राम्री प्रकाशित हो देखि सफा देखिश बुद्धि को ज्योतिषमती को प्रकाश बुझ्भ नहीं प्रवृत्ति आलोक न्यासा बुद्धि को ज्योतिषमती प्रवृत्ति को आलोक प्रकाश सूक्ष्म कुरा को ज्ञान होवहित कुरा को ज्ञान हो र सँगसँगै विप्रकृष्ट भनेको दूर भएको एकदमै टाढा भएको वस्तुको पनि ज्ञान हुन्छ त यसको फेरि एकपटक उच्चारण मैले गरिदिन्छु प्रवृत्ति लोकन्यासाद सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्यान प्रवृत्ति लोकन्यासाद प्रवृत्ति यो त्यहीवाला प्रवृत्ति हो है ज्योतिषमती विश्व का वा ज्योतिषमती भन्ने वाला जो आए थियो तेही तेही वाला यो बुद्धि में पड़े को विशिष्ट प्रकाश हो तेस को प्रकाश लाई हमी लेके करना ले।, ले। हमी ले संयम करना ले सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म लुकेका र टाढा रहेका वस्तुहरुको पनि ज्ञान हुन्छ अब हामीले एकदम ही महत्वपूर्ण बड़ा महत्व वाला यो एउटा विशिष्ट मन्त्र अब यहाँ के भयो भने, भने जी। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात भनेर भनेको छ यसको उच्चारण गर्न होला जमुना श्रेष्ठ जी हजुरले उच्चारण गर्नु होला भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात

Uh, होला कसैकोमा मैले देखेँ कहीँ द भनेर दिएको छ एउटै रूपमा मान्नु होला संयमा संय संय ज्ञानम संयमा संयम धन्यवाद संय दिदी म अब यसको विस्तारमा मैले जान्छु यहाँ यो विशिष्ट प्रकारको एउटा सिद्धिलाई भनिएको छ भुवन जानम सूर्य संयम पहले तो यति मत बुझ्नस सूर्य संयम सूर्य संयम सूर्य संयम करना सूर्य भन्ना धर अलग अलग व्याख्या इसको यो संयम को क्रम में दसवा सिद्धि हो अब भुवन ज्ञानम तो भुवन का बारे में तो मैं वर्णन कर विशेष रूप में वर्णन कर सूर्य संयम त्ञानम भवती सूर्य में संयम करना ज्ञान हो सूर्य भाला तो सूर्यमंडल सूर्य ज्योति है एवटा तो अर्थ त्यो लगे सूर्यमंडल में सूर्य ज्योतिलाईस को दिव्य प्रकाश लाई कसैले किरण हरूलाई पनी अर्को के बनियों कि साक्षात सूर्य दारे संयमम् कृत्वा अर्काले बनी सूर्य को द्वारम् और द्वार को स्पष्ट कथा को सूर्य द्वार हो एवं टा अर्को व्याख्या यहाँ इंजाहेरियों मनी सूर्य द्वारे सुसमन्ना नाड्याम मनेरा बनिया सूर्य द्वार बने को को हो ता सुसमना नाड़ी हो बनेरा बने ये अनि सूर्य प्रकाश समाने यहाँ संयम करो थी फिरी अर्का आगे बन ता अधिकांश तैयार द्विटा व्याख्या लाई हमेंले लिए रा द्विटा में संयम करना सक्षम हूँ तारा मूल रूप में संयम करने कुरादा सूर्य नाड़ी में अपने हमेंले करना छ है सूर्य नाड़ी कुन हो सूर्य नाड़ी बने को यो दाया दाया तीर को नाक वाला जिस पिंगला भैन ना? पिंगला वाला नाड़ी लाई सूर्य को द्वार बने को सूर्य नाड़ी बने को एटा ये हो तर यहाँ के यही ए, यही सूर्य नाड़ी लाई अब यो पिंगला नाड़ी लाई भो अब यहाँ अर्को वैकल्पिक रूप में के भो सूर्यद्वार भेद यही दाया वाला नाड़ी भो वा, पिंगला नाड़ी अब गुरु व्याख्या में के भो सुसुम नाड्याम है सुसुमदा नाड़ी यहाँ तर हमीर चंद्र सूर्य स्वर जो बेला भेस बेला बाया चंद्रस्वर भाया सूर्य स्वर भ सूर्यचक्र को रूप में हमी लिंक तविध रूप में यहाँ रहो कसई अधिकांशतया सूर्य भन्ना पिंगला नाड़ी भन कसले अब यह सुसुमना नाड़ी सूर्य भो यो धरें क्या हुई पी मूल रूप में यहाँ सूर्य रूर्य का द्वार में यानी कि जो सूर्यमंडल में प्रकाशित भारत तेसलाई नई भनिए सूर्यमंडल में जो प्रकाशित भयो बाहिर अंतरिक्ष में प्रकाशित भएको है अंतरिक्ष में प्रकाशित भएको सूर्यलाई नै यहाँ लियो त्यसैले त्यही मानेर अब हामी अगाडि बढ्छौं सूर्यले सारा संसारलाई प्रकाशित गर्छ अनि सूर्य का किरण हामीले सूर्य को त्यो ज्योतिमा हामीले यदि आ, संयम गयो वे भुवन ज्ञानम हमी लोक को ज्ञान प्राप्त करदेशो अर्थ से आए अब यह भुवन भन्ना के 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 लिए लियो हो मैं अगर सूर्य भन्ना सके सूर्य वनाले सूर्य द्वार सूर्य मंडल जो अंतरिक्ष मंडल सूर्य नाड़ी वनाले पिंगला यहाँनेर वनाले सुसुम्ना नाड़ी है यो सब भाई वन्दा के लिए ये उटा निश्चित रूप में सूर्य में मनो यो विविध अर्थ मात्रे या अलग महिले जानकारी करेगो हमें ले आइले सूर्य मां नहीं यहाँ नहीं निर्णय रखूं सूर्य माने अंतरिक्ष मारे को सूर्य माने हमिले संयम करना ले संपूर्ण लोग सूर्य प्रकाशित करे को उनाले सूर्य संघा ये लोग करूँ संबंधित तो यहाँ के बताइयो यानी अब लोग करूँ का बारे में अब भुवन ज्ञानम यानी बाजी लोग करूँ क्या ती बताइयो जन सामान्य रूप भुवन चौद अच्छा ये चौदह भुवन केमा के, के हमी बाटी या दिखा सीमित कर दौर ओम भूर भुआ हाँ स्वाहा बस इस सब लोक आए है इस लोक आए म भूर्व स्व बाही हमारा लोकहर को बड़ा महत्वपूर्ण छजू भूर्व स्व कोई अर्थ पाँन सकूने अोकर का बारे में हाई अब भू भन्ना प लोकहर को बारे में वर्णन कर दूं भू भन्ना भूलोक भू भन्ना अंतरिक्ष लोक स्व भन्ना स्वर्गलोक स्वर्गोक अब तो भाग बड़ी तो वो स्व में कहीं भाषा माथि का ये पृथ्वी देखी मत कोक भन्न कति लोग बनियो सात लोग बनियो है ना सात लोग बनिए पी अब भूर भुआ स्व मत बनियो इसमें कुरा यो हो स्वर लोक माने पांच लोक अब ध्यान दिन होला स्वर लोक माने पांच लोक होनी तल का भू रुआ पृथ्वी रिष कति लोक भात लोक भाई कि भैन अथ्वीभंदा तल का सात लोक अब हम पृथ्वी भाग तल पाताल अब पाताल अब तो लोक बताए सात लोक बता ती पातालक सात लोक होने भाई पातालक भाग हु सात सात लोक तल सात मथि मथि का मूल रूप में तीन भू भू स्व स्व माने पांच स्व को अर्थ भाँच लोक अब के कसरी मिप्त में यहाँ लता पृथ्वी का तल पाताल भाग मत नरक स्थान बताइ जहाँ क्रमश सात नरक वर्णन आल देखी पृथ्वी पृथ्वी में नहीं यो आयो हमी अन्न लोक को कल्पना नरक लोक को कल्पना होते पृथ्वीको कल्पना हो सात लोक में आयो अबीची घन सर अनल अनीला आकाश तम प्रतिष्ठा जिस अरिचि महाकाल अम्बरीश रोरो र महा र र काल सूत्र का के रे अन्धता मिश्र भनेर भनियो सातवटा नरक को कहाँबाट प्रारम्भ गर्यो सबभन्दा तलको नरक भनेको अरिचि यति मात्रै हजुरहरुले नोट गरेका थिए हुन्छ त्यो अरिचि नरक को स्थान देखि कहाँ सम्म त्यो मेरु शिखर सम्म कहाँ सम्म मेरु शिखरसम सुमेरू पर्वत को शिखरसम लाई भूलोक भूलोक भने भूलोक त एउटै हो तल सातवटा नरक देखि लीएर तेभा माथि सुमेरू पर्वत को सम्म यो यो भूलोक अच्छा माथि के आयो भूवलोक जसलाई हामीले के अंतरिक्ष लोक हैन अब भूलो को जो शिविर रहो सुमेरु पर्वत को शिखर तिहा देखी ध्रुव नक्षत्र सम्म यो अंतरिक्ष अंतरिक्ष लोक को सीमा भाई ध्रुव नक्षत्र सम्म यो अंतरिक्ष लोक भाई अंदा मथि को अंतरिक्ष लोक यानी कि ध्रुव नक्षत्र भाग का मथि का के भे स्वरलोक भाई अब स्वरलोक में अलग अलग सब हे अब स्वर्लोक पांच प्रकार का बताए पहिलो वाला स्वरलोक में आयो महेंद्र लोक स्वरलोक का पांच लोक मध्य एक लोक भो महेन्द्र लोक भन्ना इंद्र बोल महेन्द्र महेन्द्र लोक में स्वरलोक में छ किम का देवता हो प्रजापति लोक जिसला महलोक भो महलोक में पांच प्रकार का देवता हो अलग अलग उन्नी को श्रेणी अंदा मत यो हम दुई दुई चार बंदा जो तीन तीनवटा लोक बचे ब्रह्मलोक भाई जनलोक तपलोक सत्यलोको ब्रह्मलोक में आए जनलोक में चार प्रकार का देवता अनि तपलोक में तीन प्रकार का देवता सत्यलोक में चार प्रकार का देवता होलग अलग अलग लामो व्याख्या इसको सात लोक लोकलाई भू भूवा स्व में केन्द्रित कर स्व का पांच भाग भू भुग, का अलग सात तल का जो पाताल पाताल को भाग कर दियो, आ, अतल बीतल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल, तो यो सूर्य में ज्ञान करना सूर्य में संयम करना आपको ज्ञान को संयम करना सब लोक को जानकारी हो यो सुमेरु पर्वत को दक्षिण में के हम जम्बू द्वीप हजार था नहीं हो जम्बू के लाई भयुर्वेद वाला था हो पहले जामुन का धरें रुख थे अरे जामुन का धरख होना वनस्पति को अधिकता भैया कारण ले यो द्वीप को नाम जम्बू द्वीप रहो अब ये, ये सात द्वीप को विस्तृत रूप में कम से कम चार पांच दिन लगाए इसको व्याख्या वाला आ, यो भाष्य को संक्षिप्त में यहाँ पर इसको जानकारी रहोस् मैं भुवन शब्द को यदि व्याख्या मैं करीदी हूँ इसमें समुद्र को जानीपुर को जान संक्षिप्त में सूर्य में संयम गेमा अब हम ते क्रम में सूर्य में यानी कि आंतरिक्ष स्थित सूर्य में संयम गयो चौदह लोक को विविध लोक को रहेका प्राणी को रहोनी ज्ञान हो छब्बीस तो नंबर को सूत्र यहाँ जानकारी कराए कि भुवन ज्ञानम सूर्य संयम अब सूर्य चंद्र चंद्रमा को सत्ताइस नंबर में चंद्रमा का बारे बारे में हम अनामिका जी के सानो सूत्र छो वाचन कर चन्द्रे ताराव्यूह ज्ञानम् चन्द्रे तारव्यूह ज्ञानम् चन्द्रे ताराव्यूह ज्ञानम् चन्द्रे तारव्यूहजानम् चन्द्रे चन्द्रमामा तारा ताराहरु को व्यूह यसको स्थिति संरचना अवस्था ज्ञानम ज्ञान उन्चा बने रहिए हाँ धन्यवाद आज स्वाध्याय आयकर देर अनुभवला तो चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम अब यहाँ व्यूह कस्तो जा उन्हीं को स्थिति कस्तो जा यसको ज्ञान उन्चा चंद्रे चंद्रमा मा संयम करना ले सूर्य लाई सूर्य लाई सूर्य नाड़ी भने जस्ते चंद्र लाई बनी चंद्र लाई बनी चंद्र नाड़ी भनी एक हो है ना अब चंद्र नाड़ी बनना ले ए, को नाड़ी लाई जाना हो जाए हम लोग कथा पट्टी को नाड़ी लाई जाना हो बाया पट्टी को नाड़ी लाई जाना हो जाए चंद्र नाड़ी जस्ले हमें ले और को क्या बन जाऊं इड़ा बने रबनी बन जाऊं है � हमी लेड़ी में संयम करने आकाश स्थित तारा बीह को जान होने अलि संगति मिलते हैं अगि हमीर सूर्य नड़ी को भाई यहाँ चंद्र नड़ी को अर्थ तो लगे तर हमी अंतरिक्ष स्थित मी स्थित हमी चंद्रमा लाई नर्द चंद्रमा में हमी संयम ग तारा ब्यूह को ज्ञान ज्ञानम सकल व्यवस्था ज्ञानम जानम चंद्र फेरी मैं दो चंद्रमा में संयम करना तारा को समूह को ज्ञान हो अब यो चंद्र को अरुअ लिशन हा कसु को मूल लाई पनी, यो चन्द्रबिम्ब भनिन्छ तालुको मूलमा भित्र अनि चन्द्रद्वार पनि बनी भनिन्छ तर यहाँनिर लिने के हो चन्द्रमा आकाश स्थित चन्द्रमा नै हामीले लिने हो जो आधि दैविक हाम्रो हो चन्द्रमा छ त्यसैलाई हामीले लिने चन्द्रे चन्द्रमण्डलमा संयम गरेर ताराहरूको बिहको विशेष रूपले ज्ञान हुन्छ भन्ने चा, चाहिँ जान्नु पर्दछ चा। अब सामान्य रूपमा पनि हामी आकाशमा हेर्छौँ दैनिक यो तारा शास्त्रीहरू हुन्छन् तारा ज्यान गर्नेवाला हुन्छन् को तारा कहाँ छ कुन बेला को देखिएको छ कसको गति कस्तो छ इत्यादिको ज्यान त उनीहरूलाई पनि भइरहेको हुन्छ सामान्य रूपमा आकाशमा तारा हेर्दै गरे त धेरै ज्यान त त्यसको प्राप्त हो तरहा सामान्य ज्ञान संग मतलब होना यहांने कस्तो ज्ञान का बारे में बताइए विशिष्ट ज्ञान का बारे में बताइ कि चंद्र चंद्रमा में संयम करना चंद्रमा को विशेष ज्ञान विशेष बनाले पूरा पूरा तस्का गतिविधि को ज्ञान हो अब चंद्रमा संग तारा की न जोड़ियो गति गति को ज्ञान बने कोई नच्छा ये तारा व्यूह ज्ञानम चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम यहाँ व्यूह रचना अवस्था को ज्ञान को कुछ हो गति को ज्ञान तो अगाड़ी आ रो सूत्र में बताइ तो यहाँ चंद्रमा लाई ना तारा का बारे में कें भाई उत्तर हमीर यह भी चंद्रमा लाई नक्षत्र को स्वामी भ तारा मंडल को स्वामी भी भाई अधिपति भाई चंद्रमा में संयम गयो इस संबंधी सब तारा को ज्ञान हो सब नक्षत्र को ज्ञान हो यस प्रकारले यह 27 नंबर सूत्र में बताइए अब त्या समूह को कुरा थियो व्यवस्था को कुरा थियो अवस्था को कुरा थियो अट्ठाइस नंबर सूत्र में आए अवस्था तो अब यहाँ गति का बारे में जानने भे बारे में जानने जा भय गति का बारे में अनुरोध करूं अब प्रकाश खड़काजी उच्चारण ध्रुवे तदगति ज्ञानम ध्रुवे तदगति ज्ञानम ध्रुवे तदगति ज्ञानम ध्रुवेत अब ध्रुव तारामा हामीले यदि संयम गर्यो संयमात त आफू जोड दिन जोड दिने, दिने हो है ध्रुवे संयमात ध्रुवमा संयम गर्नाले त्यसको गतिको ज्यान हुन्छ ध्रुव तारामा ध्रुवे भन्नाले ध्रुव तारामा संयम गर्नाले को ले, तद इस भा पेले जो जो चंद्रमा संग संयम कर हमी तारा को अवस्था का बारे में जास को गति को जान कि तारा को गति को ज्ञान अब तारा तासाम ताराणाम गति ही तद गति तारा को गति जानी तारा को गति ठीक-ठीक ज्ञान चंद्रमा ले होने ही ना कि अर्का को गति को ज्ञान करने वाला को गति के ऊपरचा स्थिर ऊपरचा हमी हिनी रहे बने अर्का प्रति हमी स्थिर होने सक देनों चंद्रमा हिनी रहे स्वयं गतिशील चील जा आपु गति चील अन्य गति चील बुद्धि स्थिर कसरी करना चंद्रमा द्वारा व्यूह को ज्ञान कर ज्ञान करिए यहाँ लेर ध्रुव ध्रुव तारा स्थिर हो स्थिर दुरुव, भार नहीं, बुद्धि स्थिर बुद्धि स्थिर बुद्धि हमी स्थिर ध्यान ग्यौने हमी सारा अन्न को गति जा सकता अब आप कल्पना करी आपका छोड़ को गति कसरी ज्ञान करने माने हामिले अरु को गति को ठीक ठीक आकलन करनो चाह बने हामिले रोकी है रा एक कैसे निहरनो पड़ने उन्चा ये सही प्रकार ले बुद्धि का ये स्वभाव का कारण तारा को गति को सुद्ध ध्यान करना ध्रुव तारा माथी संयम करनु आवश्यक चा चंद्रमाथी संयम करे रा गति को ज्ञान करना सकी ठीक से यो 28 सूत्र सम्मा यो अठाइस नंबर को सूत्रसम सम्मा के अनि बाहर बाहर का संयम का बताइए अब आ, शरीर भित्र को संयम का बारे में बताइ शरीर को संयम का बारे में हमी के यहाँ हेर सूत्र उन्तीस नंबर को

एकपटक आफै उच्चारण गर्नुहोस् त धन्यवाद शोभाजी हजुर आफ्ना जे नोट्स छ त्यो बनाउँदै रहनुहोस् अब यहाँनिर के बताइयो भने नाभि नाभिचक्र जसरी हामी बाहिर अष्टचक्रका बारेमा धेरै जानेका हुन्छौँ जान्छौँ पनि होइन तर योग अष्ट चक्र आदि का बारे में योगदर्शन में कहीं पूरा करक्रनिगो स्पष्ट कहानी को, चाहिए ना। ये चक्रा अब को, को चक्र हो नाभी चक्र मै भाई मणिपुर आसपास को क्षेत्र लिख पर्द मणिपुर आसपास को क्षेत्र लो का द्वारा लिख पर्द तर सब चक्र को इसी वर्णन योग दर्शन में आटा चक्र यहीं वर्णन ने आयो नाभि चक्रे है अब यहां के नाभी चक्र नाभि चक्र भन्ना के शरीर को मध्य भाग में नाभी में स्थित चक्रे इस धार वाला चक्रमा भाँ को चक्रमा धार हो तो सोल धार वाला चक्रमा ध्यान करना कार्ना शरीर को बीह को संगठन अवस्था स्थिति है शरीर को संगठन कस्टो शरीर में पित्त कफ को स्थिति के शरीर का जो सप्त धातु रस रक्त मांस मज्जा मेद मज्जा आदि स्थिति कस्त भाष्य रस का ठावे चर्म चर्म रक्त मांस नाड़ी हड्डी बोसो बीरिया आदि को स्थिति के अनि शरीर का नस नी को आपको संरचना कस्तो हड्डी स्थिति बलियो कमजोर स्थिति के सपेशीर को स्थिति के रक्त प्रवाह कसरी चले प्राणवायु को संचरण कसरी चले संपूर्ण ज्ञान काय ब्यूह ज्ञान शरीर काय भन्ना शरीर शरीर को संपूर्ण अवस्था को वर्णन में ध्यान गना भक्र को वर्णन अन्त्र अब यहाँ नाभी चक्र बनेरा यो बनिए कुछ अबे यहाँ चर्म बन्ने चा अनि हमरो अन्य आयुर्वेद में यो त्वक का ठाउ मां चर्म का ठाउ मां राशि चा अनि ये उटा आ, मेध यहाँ वर्णन भई आलो स्नायु को बनी बढ़न सा स्नायु तंत्र को बनी। बनी। मुख्य हो नाड़ी मुख्य हो शरीर का बारे में तो यह विविध को ज्ञान होने ये नाभी चक्र ध्यान करना धारणा करना समाधि करना एक संयमित होना ज्ञानम आज एक सूत्र एटा अज हम लेकर यहाँ को आप हम लिने संयम के रे समय हुजेलसम हरिप्रसाद जी तीस नंबर को सूत्र यहाँ वाचन कर भोक प्यास को निवृत्ति कसरी हो भोक प्यास आ, को निवृत्ति का बारे में बताइयो कंठ कूपे छुत पिपाशा निवृत्ति हरिजी कंठकुपे छुत पिपाशा निवृत्ति

अब योवाला विभूति पातमा धेरैजसो कुरा गर्दा त भूगोलवाला पनि बन्नुपर्ने रहेछ अनि आयुर्वेदमा गएर वैद्य पनि बन्नुपर्ने रहेछ है अब शरीरको विविध अङ्गहरूको पनि त ज्यान हुनै पर्यो नि त कन्ठकूपे अब बुझ्नु पर्यो कण्ठकुप कहाँ हो भनेर कन्ठकुपेत पिपासा निवृत्ति षुद्ध ये चलिए कंठकुपे षुद्ध पिपासा निवृत्ति अब कंठकुपे संयमायता हमें तो जोड़ने पड़े कंठकुपे संयमायता कंठकुपमा संयम करना आले है ना अब संयम करना आले बनना आले स्थान को निर्धारण करने वाला कंठकुप क्या लायब बने हैं पहले हजार कंठकूप के बारे में तो ठाकुर जीव्आ को तल मूल में तल एवटा तंतु तंतु भू भे रुद्र घंटी भाषा कस को तल अलिक तल होने वाला भोकल कोड लाई लिंज स्वर यिका लिख जिवा को मूल में तल ते अब तंतु भन अ कांतु तंतु का तल को भाग त्यो तो तंतु का भोकल कोट को तल वाला भाग लंठ तो अंठ तो को तल होता कूप है कंठ को तल के हो हेन भेज हे आपको कंठ तल कुआ जस्तो खाल्टो जो ठीक चा, यो यो ना? न, ना यो यसको ये कुछ बुझियो है कसा को छो न हो इसको अब यह देखिने यही हो नाई इस पुष्ट करना के बताइए जीव्वा को तला मूल में तंतु हो तंतु को तल कंठ भायो, यो कंठ को भाग तो यही तो भाई जो देखियो यही कंठ को भाग हो यो वाला भाग अंठ को तल कुप भोप में कुआ जस्त खाल्डो जस्त अब यहमा यो में संयम गयो छुत छुतपिपा भोग प्यास ले, भोक प्यासले न बाधेते प्यास बाधा गर्दैन होइन यसमा संयम गर्नाले भोक प्यासले बाधा गर्दैन भनेर भनियो होइन अब यहाँ संयम गर्यो अब यसो पनि भनिन्छ है मैले सुनेको कुरा के छु भने अघि मैले भने धेरै कुराका लागि त वैद्य पनि हुनुपर्ने रहेछ जान्नुपर्ने रहेछ सबै कुरा त जा, सबै सब व्यक्ति हुन सक्दैन तो यो भोक भोग प्यासू के जब हम धेरे हम श्वास इत्यादि जति प्रवाह भैराख्यो यह घर्षण गई गर, आते जाते श्वास प्रश्वास ने असले अब ये प्राण तो हु भोग प्यास लगने वाला अब यो एक ठाव में केंद्रित भो तलमा श्वास प्रश्वास कम भो घर्षण कम होने भ तो भोग प्यास पनी कम लगने वाला पनी, एक तर्क यहाँ तरप ऋषि महर्षि के पतंजलि लेख्ह कि कंठकूपे छुतपिपा निवृत्ति कंठ को कंठकूप में यदि हमारे संयम गयो संयम कर बस्यूतपिपा निवृत्ति भोग प्यास को निवृत्ति हुन्छ भोक प्यास लाग्दैन लाग लाग न भोक लाग्छ न प्यास लाग्छ कति राम्रो है ज्यादा खानै पिउनै नपऱ्यो भने कति रमाइलो हुन्थ्यो होला होइन त अब यहाँनिर भन्नु खोजेको अर्को अर्थ यसो पनि लिइन्छ है अन्न जल अब यो शरीर त अन्नमय शरीर हो बाहिर देखिनेवाला होइन हामीले विवेक चुडामणिमा पढ्यौँ अन्न भवनो अन्नमय को अन्न अन्न को भंडार हो भोजन तो चाहिए तर जबसम तो संयमित रहे को तब तबसम अन्न जल आदि न भाईपी शरीर लाई कुम को हानि होती हुआ कंठकूप में त्यसले संयम गयो इसको ये अर्थ यहाँ निस्कर बाहर आ

हजुरले आफ्नो माइक सक्नुहुन्छ गुरुजी तपाईँले यो त्यो गर्नुभएछ आएछ तपाईँलाई सुदर्शन गुरुजी हजुर तपाईँलाई यस्तो फिलिङ आएछ यस्तो तपाईँले जो जो, जो भन्नुभएछ मलाई त आउन सकेको छैन है होइन यो मलाई आएको होइन यो महर्षि पतञ्जलीलाई आएको मैले त गर्न सकेको छैन यो प्रयत्न गर्दै जाने हो होइन यो त महर्षि पतञ्जलीले उहाँले पनि आफ्ना पूर्ववर्ती द्वारा जे जे ज्यान प्राप्त भयो यो चाहिँ यसो हुन्छ भने <laughs> है भनेर उहाँले भन्नुभएको हो अब मलाई आएर मैले आफ्नो भाषा केही बोलेको छैन यहाँ हो थाहा छ कसैलाई त हुन्छ आफूले पनि गर्नुपर्छ थाहा छ है अब केही 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 कहीँ कहीँ कही, कही, होलान् होइन अब त्यो त्यो कसैको व्यक्तिगत अनुभववाला सबै कुरा पढाइका विषय हुँदैनन् अब केही कहीँ कही, कुरा होलान् पनि होइन तर अब सबै यस्तै भइहाल्छ भन्ने यो बडा जटिल विषय भएको हुनाले अब सबै यस्तो भएको छ भन्ने छैन कहीँ कतै त हुन्छ जस्तै हामी एक दत्तचित्त भएर खैनेर बस्य भोग प्यास बिना भी धरो समयसम बस्न हामीले धेरै यज्ञ यज्ञ यागादी में पहिले अब आज भोलि त कम छह तेरह वर्ष को उमेर देखि यज्ञ यागादी में समर्पित भारती आज भोलि त्यति छैन यहाँको स्वाध्याय यज्ञ मात्रै हो अब आजभोलिको जस्तै त्यस बेला धेरै भोजन इत्यादि दिने पनि व्यवस्था त्यति हुँदैन थियो त भोकै रहेर पनि धेरै अब धेरै यज्ञहरू गरिए चार चार महिना लामो चातुमास्यहरू पनि बाल्यकालमा गरिएकै हो है त यो केही केही संयमले त हुन्छ होला यसो गऱ्यो भने

अब व्यापक र अनि टाढाको दूर स्थानको देख्न सकिन्छ भनेर जुन भनिएन जस्तो यसको उदाहरणको रूपमा चाहिँ कुरुक्षेत्रमा भएको युद्ध सयले धृतराष्ट्रलाई चाहिँ अब दरबारमा बसेर त्यहाँको वर्णन गरेको यो उदाहरण लिन सकिन्छ सकिँदैन यसलाई सकिन्छ त्यही त त्यो दूरदृष्टि दिनुभएको थियो भने अब त्यो दूरदृष्टिवाला अझ फेरि अगाडि आउँछ दूर दुर् दूर दृष्टिवाला दुर 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 यो सिद्धि अझ अगाडि आउँछ जसलाई त्यो दृष्टिबाट दुर दुर नै भनिएको छ अब यो एकदम दूरस्थ वस्तुको ज्ञान हुन्छ भनेर भनिआ छ यहाँ होइन यहाँनिर वस्तु भनेर भनिएको छ हामीले छुट्याउँ खोज्यौँ भने अब अहिले त्यत्तिकै पनि हामीले हो हो भनिदिँदा पनि हुन्छ बिग्रिँदैन होइन किनकि ए विप्रकृष्ट ज्ञानम भने तर यहाँनिर रह टाढा रहेको वस्तु पनि उसले थाहा पाउँछ भन्ने अर्थमा यहाँ होला जस्तो मलाई लाग्छ अनि हजुरले भन्नुभयो जस्तो वाला सिद्धि पनि हुन्छ होइन तर त्यो अलिकति इन्द्रिय सिद्धिमा इन्द्रिय जयवाला भागमा अगाडि आउँछ शरीरकोमा यो अणिमादि आउँछ त्यसपछि ए दूरदृष्टि इत्यादि अगाडि आउँछ त्यो स्पष्ट रूपमा त्यो अगाडि छ होइन तर यहाँनिर यहाँनिर त्यो लिन सकिन्छ होइन त्यो लिन सकिन्छ त्यसमा कसैले अपवाद या विवाद कसैले गर्दैन होइन तर यहाँनिर अहिले वस्तु ज्यान लिऊँ किनकि अर्को ठाउँ पनि छ यहाँले भने जस्तै सिद्धि अर्को ठाउँ भएका कारणले ए ते, त्यो त्यही सिद्धि यानो भनिहालौ अहिले होइन भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसलाई सानो उसमा योगको योग दर्शनको दृष्टिकोणले त होइन जस्तो अहिले हामीले पढ्दै गर्दाखेरि कुनै पनि चिजमा संयमित संयमित भइयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको पूर्ण ज्ञान हुन्छ जस्तो दूर परको कुराको पनि जुन ज्ञान हुन्छ भनेर हामीले अहिले सिकिरहेछौँ होइन जस्तो एउटा माता एउटा आमाले चाहिँ आफ्नो बच्चामा त धेरै सम ऊ त समर्पित भएको हुन्छ नि त सो उसको हरेक पटक उसको ध्यान त जति उसलाई त सधैँ त्यसको त्यो आफ्नो बच्चाको ध्यान हुन्छ नि होइन सो ऊ टाढा गएर विदेशै अथवा भनौँ न डिस्टेन्स वाइज टाढा भए पनि त्यो एउटा इन्टुएसन एउटा

हालाकि यी सबै कुराहरू योगको समाधि पक्षका अबका हुन् लौकिक व्यवहारका कुरा त हुँदैनन् तथापि यदि व्यक्तिले लौकिकमा पनि यसो गर्न चाह्यो भने गर्न सक्छ अवश्य पनि अब, का अब आ, आ, माता माताजीहरूले त ए मलाई त यस्तो भयो के भयो कि भनेर पनि भन्नुहुन्छ त्यो कुरा सत्य निस्कन्छ यो थाहा नहुने होइन तर त्यो आफैमा पूर्ण विश्वस्त उहाँहरू हुनुहुन्न किनकि त्यो होला कि भन्ने कुरा हुन्छ होइन तर वास्तवमा सत्य नै निस्कन्छ पछि आफूमा विश्वास हुँदैन ए यसो पो हुँदैछ के भयो कि भन्ने चाहिँ हुन्छ तर वास्तवमा सत्य निस्कन्छ लौकिक व्यवहारमा पनि नहुने कुरा त भएन त्यो त हुन्छ नै यो लौकिक व्यवहारको कुरा हो लौकिक व्यवहारमा पनि त्यो कुरा सिद्ध हुन्छ यहाँले भनेको कुरा सार्थक हुन्छ कसैले केही भन्नु छ आधा मिनट मैं समय राखु कही भन्न आधा मिनट में आप उपस्थिति हुनेछ नभए धन्यवाद धेरै धन्यवाद ओम पूर्णमदः पूर्णा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य पूर्ण ओम शांति 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 धीरे धीरे धन्यवाद हार्दिक आभार अ सुब्रत